तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमको मिला एक प्रीमियम क्रेट और 20 अचीवमेंट पॉइंट्स, और इस अचीवमेंट का नाम है आई एम सो अनलकी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है चार्ली और लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो जो कि है न्यू अचीवमेंट के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यू हाइड अचीवमेंट के बारे में, जो कि फोर्थ अचीवमेंट है हमारा। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये अचीवमेंट हमने करना कैसे है, वो भी जल्द से जल्द और आसान से आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इस चैनल पे नए हो, और आपने लाइक को जो है ना दबा देना है, क्योंकि इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं तकरीबन 300, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाता हूँ और सबसे जल्दी जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन जो है बनती है आप लोग के लिए इसी तरह जो है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जो है सीधा गेम के अंदर, और आपको मैं बताता हूँ कि ये अचीवमेंट हमें कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस भाई साहब को जो है शाउट आउट देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इंडिया से हमारी मदद की। इंडिया से है ये भाई साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमारी हेल्प की, हमें न्यूज़ दी इस अचीवमेंट के बारे में। तो अब मैं आप लोग को बताता चलूं कि ये अचीवमेंट कंप्लीट करने के 2 से 3 तरीके हैं जो मैंने देखे हैं, जो मैंने जो है ट्राई किया है। सबसे पहले जो आप ये वीडियो देख रही है, सिंपल तरीका जो है आपने स्क्वाड में खेलना है इसको, और आपको इसके लिए ऐसा स्क्वाड चाहिए होगा जो आपका मतलब आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ खेलते हो अच्छे। अब जो सोलो लोग खेलते हैं उनके लिए तो ये कोई ट्रिक फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जो कि अगर आप लोग कहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ आगे। तो स्क्वाड में आप लोगों को ये करना है इस अचीवमेंट में कि जो नॉक बंदे होते हैं ना, आपका स्क्वाड जो है वो फाइट लेगा, आप जो है सबसे पीछे रहेंगे, मतलब आगे आप लोग जाएंगे नहीं, आप पीछे रहेंगे। और अगर आप ड्राइवर जो है अच्छी ड्राइविंग करते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ड्राइव करें, ताकि आप लोग गलती से भी सामने वाले बंदे को मारे नहीं और उसको डैमेज ना मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी स्क्वाड जो है वो फाइट ले रही है, और जो है फिनिश जो है मैं ही कर रहा हूँ हर एक बंदे को। ये लोग सिर्फ नॉक करते हैं और मैं फिनिश ही करता जाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ड्राइव कर रहे हैं, और आपकी स्क्वाड जो है ना अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि नूबड़ी शुबड़ी स्क्वाड है तो मुश्किल होगा उनके लिए। उनके लिए भी एक ट्रिक है जो मैंने देखा है, और अगर आप कहते तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, अलग जो आप मैं बता रहा हूँ ना 2 से 3 ट्रिक और हैं, तो उस पर मैं जो है वीडियोस बना सकता हूँ अलग से। ये जो है जो फर्स्ट ट्रिक है ना, सिंपल ट्रिक जो है अपने स्क्वाड के साथ करना है जो सही तरीके से, तो ये उस पर ये वीडियो है। तो भाई ने जो आप लोगों ने देखा कि हम जो है नॉक हो गए तो 2 बंदे, लेकिन हमारे भाई ने जो है हमें बचा लिया था उनको नॉकआउट करके। अभी जो है वो नॉक पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जैसे ही रिवाइव लूँगा मैं जाऊँगा उनके पास और उनको मैं फिनिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने डैमेज लेना है, तकरीबन हमें 1000 डैमेज जो है लेना है, मतलब कि हमें 1000 डैमेज लोगों को देना है, वो भी 0 किल के साथ। तो वो डैमेज कैसे लेते हैं वो आपको वीडियो में आगे जाके खुद पता चलेगा भी, और आपको दिख भी रहा है, जैसे मैंने इधर जो है वो उन्होंने नॉक किए और मैंने किल निकाले। तो उसके बाद जो है मैं आपको इधर एक और टिप दूंगा कि आप लोगों ने जो है ना पेट्रोल 2 से 3 उठा लेने, क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी है, आपने तो 1000 डैमेज लेना है 0 किल के साथ, लेकिन आपके स्क्वाड के भी जो है ना तकरीबन 20 किल होने चाहिए। 20 किल इसलिए क्योंकि 20 किल इसमें एक किस्म का शर्त है, 20 किल उनके होने चाहिए, आपका 1000 डैमेज होना चाहिए, तो तभी आपका ये अचीवमेंट कंप्लीट होगा। अगर आपको मुश्किल आ रही हो तो आप वीडियो को जो है ना एंड तक देख ले, आपको आसानी जो है महसूस होगी। अगर आप कहते ना कि दूसरे ट्रिक्स पे वीडियो बनाए, तो मैं बार बार भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए, और वो भी काफ़ी ईजी आपके लिए होगा इससे। तो सामने जो है एक बंदा था, प्रोन हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगा कि आपने जो है बिल्कुल आगे नहीं जाना, फिर से मैं आपको बताऊंगा आपने अपने बंदों को आगे भेजना है, आपने सिर्फ डैमेज उठाना है, किल वही करेंगे, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और गन कौन से उठाने हैं वो आप लोग खुद ही देख ले, अगर SMG उठाते हैं या लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर उठाते हैं ताकि आप उनको डैमेज दे सकें। तो हमारा एक बंदा नॉक हो गया, दूसरे बंदे ने जो उसको फिनिश कर लिया, हम पीछे से स्मोक कर लेंगे और हम जो है सिर्फ रिवाइव देंगे। आप लोग ऐसे समझ ले कि इस गेम में आप सिर्फ इनको सपोर्ट दे रहे, आप रिवाइव करें, क्योंकि अचीवमेंट तो आपका ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोग को बताऊँगा एक ऐसी टिप जो कि किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, और किसी जो है ना इंस्टाग्राम पे जिस बंदे ने ये सबसे पहले किया था जैसे मैंने आपको बताया, उसने भी नहीं बताई होगी। अगर हम बंदे को नॉकआउट करते हैं तब भी हमारा जो है ये अचीवमेंट होगा, काउंट होगा। अगर आप एक स्क्वाड में से 2 बंदे नॉकआउट करते हैं और उनको फिर से रिवाइव मिलता है तो वो किल नहीं होंगे, उनको आपका अचीवमेंट मतलब आपका अचीवमेंट जो है वो काउंट हो जाएगा। कैसे? मतलब आपका डैमेज तो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया लेकिन किल नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आप जो है लॉन्ग रेंज फाइट लेंगे और आप उनको नॉकआउट करेंगे, और आप उनको जो है ना फिनिश नहीं करेंगे, आपने उनको छोड़ देना, क्योंकि जैसे आपको पता है रैंक पुश चल रहा है तो लोग जो है ना जल्दी से अपने टीममेट्स को क्या करते हैं, रिवाइव देते हैं। तो जैसे ही रिवाइव होते हैं आप अपने बंदों को बोल लेना, वो पुश कर लेंगे।
तो भी देखे यहाँ पे हमारे बंदों ने पुश कर लिया है। आप मैं इधर वेट करो, आपने देखा वो प्रोन है, मैं नहीं मारा। जैसे उसने नोक किया वहाँ से, मैंने यहाँ से किल जो है कंफर्म कर लिया, डैमेज जो है सारा अपनी तरफ ले लिया है। अभी बच गया यहाँ पे एक ही बंदा, एक बंदा बचा है, उसको मैंने नहीं मारना। गलती से भी आपने टेप फायर भी जो है सोलो बंदे पे नहीं मारना, अगर वो नोक मतलब नोक तो होगा ही नहीं, सीधा किल हो जाएगा तो आपका जो है काउंट ही नहीं होगा। तो आपके लिए मतलब रिस्क है, क्योंकि पूरी गेम आप इतनी खेल रहे हो और आप जो है एक बंदे को किल करते हो तो आपको ये अचीवमेंट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपने बंदों से पूछता हूँ कि क्या हमारे 20 किल पूरे हो चुके हैं। तो मैं एक से पूछता हूँ तुम्हारे कितने किले, और दूसरे से पूछता हूँ तुम्हारे कितने किले। 20 पूरे हो गए, 20 पूरे हो गए, मुबारक हो जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ 20 किल पूरे हो गए। तो अभी आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने चिकन के लिए जो है ना वो मतलब कोशिश करनी है, आपने चिकन निकालना है। विदाउट चिकन मैंने ट्राई नहीं किया, ये मैंने सिर्फ एक गेम के अंदर ही ट्राई किया है। अगर आप कहते हो कि मतलब अलग से वीडियो बनाएं किसी और, इसमें अगर टिप है या ट्रिक है कोई और, तो मैं जो है कोशिश करूँगा आप लोग के लिए और ट्रिक्स निकालने की इसके अंदर। तो लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी कि सामने भी 3 बंदे और हम भी 3 बंदे, तो हमें चिकन निकालना है। तो पहले तो यहाँ से मैं डैमेज ले लेता हूँ जितना मैं कलेक्ट कर सकता हूँ या जितना मैं डैमेज कर सकता हूँ। मैंने डैमेज निकाल लिया। क्यों आपने डैमेज ही सिर्फ निकालना है, क्योंकि किल तो आप कर नहीं सकते। तो मैं कभी टेप टेप पे मारता हूँ और कभी जो है ना स्प्रे वगैरह भी दे देता हूँ नोक बंदे के ऊपर। तो आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात से खेलना है। अभी ये अकेले बंदा है, इधर से भी मैं टेप टेप करके निकाल रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर गलती से भी एक बुलेट उसके साथ टच होती है और वो किल होता है तो आपकी ख्वारी सारी जो है बर्बाद हो गई। लास्ट में इधर एक ही बंदा रह गया, इस हालत में तो आपने बिल्कुल फायर नहीं करनी, क्योंकि वो जोन में है और अगर आप फायर करेंगे और जोन से वो आ रहा है ऑलरेडी डैमेज है, तो वो किल अगर हो गया ना तो आपकी सारी ख्वारी फिर बर्बाद। तो भाई लोग चिकन डिनर हमारा निकल आ चुका है, जैसे आप लोगों ने देख लिया। अभी आप लोग को मैं इधर दिखा रहा हूँ, मैं कोई कट नहीं कर रहा था कि आप लोग को मैं दिखाऊं कि किल हमारे कितने हुए हैं और मेरा डैमेज कितना है और मेरे किल कितने हैं। तो विनर विनर चिकन डिनर ये हमने डायमंड में किया है, आप देख सकते हैं ये डायमंड में किया हमने। तो आप किल देख सकते हैं, एक भाई के हमारे साथ 14 किल है, दूसरे के 9 किल है। मेरा डैमेज 1088 है और उनका डैमेज आप देख सकते हैं। अब हम सीधा आएंगे बाहर लोबी में और चेक करेंगे हमारा अचीवमेंट हुआ है कि नहीं। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं हमारा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया। आई एम सो अनलकी के नाम से जो अचीवमेंट नया आया है, जिसमें हमें मिला एक प्रीमियम क्रेट और 20 अचीवमेंट पॉइंट्स। तो मैं सबसे पहले जो है ना सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा अपने 3 दोस्तों का, जो कि ये आपको दिख रहा है, एक का नाम जोकर, एक का नाम ब्लैक पठान है और दूसरे का नाम एसआर सेम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अचीवमेंट में मेरी हेल्प करने के लिए। और आप लोग भी इस अचीवमेंट को ऐसे ही अपने स्क्वाड के साथ कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सिर्फ आपको ये करना है कि आपने 9 बंदों को जो है फिनिश करना है और आपने एक चिकन डिनर निकालनी है। और अगर आपकी स्क्वाड अच्छी है तो आप लोग जो है ना 20 किल भी आसानी से निकाल पाओगे। तो गाइज एंड में मुझे आप लोग की सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।